बीएसपी प्रत्याशी तिलकराज यादव से हमारे सहयोगी मोहित गुप्ता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। धर्रा विधानसभा सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 2017 में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने जीत हासिल की थी। फिलहाल हमारे साथ में, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है, पहले चरण में अलीगढ़ को चुनाव होना है, हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तिलकराज यादव, जिनकी पहचान एक समाज सेवक के रूप में सबसे ज़्यादा रही है। हालांकि वो लगातार 3 बार से हरदौगंज के चेयरमैन ही हैं, लेकिन फिलहाल छर्रा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कह रहे हैं छर्रा विधानसभा के सदस्य। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, 10 तारीख को चुनाव होना है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की रूपरेखाओं को लेकर आप जनप्रतिनिधियों लोग बागों से मिल रहे हैं, और सर क्या रुझान चल रहा है अब चुनाव का? देखिए, अब चुनाव में समय कम है, गांव बहुत ज़्यादा है, सब जगह जाना मेरा संभव नहीं है, तो लोगों की बहुत इच्छाएँ मुझे बुलाने की हैं और स्वागत करने की है, तो मैं सब जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। आज अभी आप देख रहे होंगे, ये सारे लोग मेरे कार्यालय पर आकर आज इन्होंने मेरा यहीं आकर स्वागत किया है, मैं इनके घर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं इन सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, बाद में इनके पास मैं पहुँचूँगा। ये उत्साह इन लोगों का देख के मेरा हौसला अफजाई हुआ है और मैं चुनाव बहुत भारी मतों से जीतने जा रहा हूँ। 6 साल से छर्रा विधानसभा की जनता के लिए समर्पित हूँ और आगे भी समर्पित रहूँगा, रिजल्ट जो भी रहे, और छर्रा विधानसभा में ही अब मेरा पूरा जीवन व्यतीत होगा, और इनके हर सुख दुख में मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। देखिए, ये थे हमारे साथ में तिलकराज यादव जी, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ की टीम से बात की कि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणी सीरीज छर्रा विधानसभा में देखने को पूर्ण तरीके से मिलेगी। आखिर ताज किसके सर बंधेगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़।